गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो होने वाली है हेलीकॉप्टर के थ्रू। आज तक हम हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे हैं। बताना चाहूंगा, ये जो हेलीकॉप्टर है हमने श्री माता वैष्णो देवी की वेबसाइट से बुक कराया है, जिसका मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जैसा भी आज हमारे साथ यात्रा में होता है, एक्चुअली हमारी जो यात्रा स्टार्ट होगी ना वो होगी 10:20 पे, बट हमें यहाँ सब लोगों से पता चला है कि हम अर्ली मॉर्निंग अराउंड अभी 7 बजने वाले हैं, बस हम वहाँ पर पहुँच जाए। तो लाइक वो क्या होता है, जैसे जो पहले पहुँचता उसको पहले भेज देते हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए हम अभी यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं। इफ़ अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको आगे इस वीडियो में ज़रूर बताता हूँ। तो चलते हैं, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। होटल से हमें मात्र 10 मिनट लगे कटरा हेलीपैड पहुंचने के लिए। अंदर पहुंचते ही स्टाफ ने सबसे पहले हमारा वैक्सीन सर्टिफिकेट, ऑनलाइन टिकट और आधार कार्ड चेक किया। सब वेरीफाई होने के बाद हमारा बॉडी वेट चेक किया गया और उसके बाद हमें हमारे बोर्डिंग पास दे दिए गए। जो इन्फॉर्मेशन थी पहले और पहले पर वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, हमें हमारे पासेस मिल चुके हैं। हमारा एक्चुअली जो टाइम था वो था 10:30 का, बट हमें अराउंड 7 ही पासेस हमारे मिल गए हैं। तो अब हम यहाँ पर टैक्सी का वेट कर रहे हैं, टैक्सी लेके हम ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद हमें गेट पे खड़ा होने को बोल दिया गया, जहां से टैक्सी हर 5 मिनट में हेलीपैड वेटिंग रूम की तरफ लेके जा रही थी। टैक्सी सेवा का कोई चार्ज नहीं था। इस पॉइंट के बाद वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। वेटिंग रूम में पहुंचते ही टिकट के नंबर के अकॉर्डिंग सबको हेलीकॉप्टर में बिठाया जा रहा था और हेलीकॉप्टर के स्टाफ सबका सामान और फ़ोन जमा कर रहे थे, जो आपको हेलीकॉप्टर से उतरते ही दे दिया जाता है। हर यात्री को केवल 10 किलो लगेज ही अलाउड है। जय माता दी, जय माता दी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, अराउंड 5 मिनट लगे हैं, हम हेलीकॉप्टर लेके ऊपर आ गए हैं। और वेटिंग टोटल जो पूरा प्रोसेस था, पूरा 1 घंटे हमें लगा पूरे प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर वेटिंग इंक्लूड थी और ऊपर आना हर चीज़। ऊपर मात्र 5 मिनट में पहुंच जाओगे। तो हम चल रहे हैं दर्शन करने, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा? जय माता दी। अच्छा, जय माता दी। नाउ वी आर गोइंग डाउन एक्चुअली लाइक दिस, मैक्सिमम वे लाइक दिस एंड स्ट्रेट। हेलीकॉप्टर से उतरते ही मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर की उतराई का सफ़र रह जाता है, जो काफ़ी आसान सफ़र है। वहां घोड़े और पालकी की सेवा भी उपलब्ध है। अब हम प्रसाद लेते हैं और माता रानी के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। मिलते हैं आपको दर्शन के बाद। ये नवरात्र की तैयारी हो रही है। तो पूरी नवरात्रों की यहाँ पे तैयारी स्टार्ट है। तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं उड़न खटोला लेने। सो लेट्स सी कितने की टिकट पड़ती है, कितना टाइम लगता है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो सफर था बहुत अच्छा सफर रहा। हमने हेलीकॉप्टर से स्टार्टिंग करी थी, तो हेलीकॉप्टर मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत एक्साइटिंग था। और आपको कैसा लगा हेलीकॉप्टर? वेरी गुड।
हाँ, हेलीकॉप्टर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, वेटिंग टाइम बहुत ही कम था। मैं पूरे प्रोसेस के अंदर ऊपर जाने के अंदर टोटल 1 आवर 15 मिनट लगे होंगे पूरे प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर वेटिंग टाइम और कैब से इधर उधर जाना, जो उन्होंने वहाँ पे हेलीपैड से हमें कैब दी थी वो सारा टाइम इंक्लूड करके 1 आवर 15 मिनट का पूरा हमें टोटल टाइम लगा। और जो हेलीकॉप्टर हमने बुक किया वो श्री माता वैष्णो देवी की वेबसाइट से बुक किया। ये आप 3 महीने पहले आप बुक कर सकते हैं, 3 महीने पहले इसकी ओपनिंग हो जाती है। मैं कहूँगा जैसे 3 महीने पहले आप जो प्लान बनाया ना, 3 महीने पहले ही उसकी बुकिंग कर ले, क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। यहाँ डायरेक्टली जो काउंटर है वहाँ पे आपको टिकट बहुत मुश्किल से मिलती है, काफ़ी लोग पता कर रहे होते हैं और वो मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास जगह नहीं होती। तो मैं आपको यही कहूँगा 3 महीने पहले आप ऑनलाइन ही उसको बुक कर लें, 1700 रुपये पर पर्सन उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाय। और क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो ठीक है, बाय बाय।